हे गाइस, वेलकम टू द जीबी व्लॉग। दिस इज़ गौरी। आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। और आप देख लो बैकग्राउंड में कितना प्यारा मौसम है यार, वाओ। तो पिछली बार हम गए थे सिंहगढ़, तो हम ऊपर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि सब बंद था। लेकिन आज हम आए हैं और आज मैं डायरेक्टली ऊपर ही आई हूँ, या ऊपर आके डायरेक्टली व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये है बेस सिंहगढ़ का। यहाँ पर सब कुछ खाने का मिलता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस कांदा भजी, और वो भी गरम गरम, आ हा हा वाव। एंड पिठलं भाकरी जो मराठी डिश है, एंड यहाँ पे स्पेशली लोग सिर्फ वो खाने के लिए आते हैं। इतने सुंदर मौसम में गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। फिर वो मटके में दही भी मिलता है, वाव। तो अभी आप देख लो, अभी हम चलते ऊपर सिंहगढ़ पे प्रॉपर, एंड फिर ठंड लग रही है, चलो फिर। और एक बात रह गई, शाउट आउट टू समन्वी जैन एंड शिमरन शुगर। आई होप मैंने नाम सही से लिया है। शिमरन शुगर, आपका नाम मुझे पता नहीं था, सिर्फ चैनल का नाम पता था इसलिए मैंने सिर्फ वही लिया। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कहा आपका नाम लेने के लिए वीडियो में, तो मैंने ले लिया। एंड थैंक यू आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो, एंड कमेंट करते रहो। चलो हम एक्सप्लोर करते हैं। ये हम बहुत ऊपर आए हैं लेकिन देखो नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फॉग बहुत ज़्यादा है। और मेरे साथ मेरे भाई बहन भी है, ये बहन फ़ोन में एंड भाई। मौसम मिल जाए ना, मज़ा ही आ जाए। चलो फास्ट, सब लोग आगे निकल गए, मैं रह गई पीछे। दिस इज द मेन गेट ऑफ सिंहगढ़ फोर्ट, देख लो। तो गाइज ये देखो, हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से। बहुत ऊपर है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं, ऐसे लग रहा है कि हम बादलों में वॉक कर रहे हैं। कुछ बोला है तुझे? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बादलों के बीच में से चल के। आज मैं अपने पैरों से चल रहा हूँ छाता लेके बादलों में, और मैं मेरे मम्मी पापा को थैंक्स करना चाहूँगा इसके लिए, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने तभी मैं आज इस मुकाम पे पहुंच गया। अबे यार ये क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे लगा ये कुछ अच्छा सा बोल रहा है, लेकिन इसकी फिर से बकवास चालू हो गई। दिखा दिया ना अपना भूतियापन, भूतिया हाँ भूतिया पागल। मैं शायद 5 अगस्त तक यूट्यूब पे इनएक्टिव रहूँगी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन है। फिर मैं 4 अगस्त 5 अगस्त तक फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद मैं आपके लिए बहुत सारा कंटेंट्स लाऊँगी। तब तक आई हैव टू स्टडी बिकॉज पेपर्स आ रहे हैं मेरे, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस और वेट कर लेना। ओके, हेलो मॉम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मने। हेलो गौरी, गुड मॉर्निंग। ये जो छोटे छोटे आपको घर दिख रहे हैं, घर इन द सेंस घर जैसे लग रहे हैं,
यहाँ पे सब कुछ मिलता है खाने के लिए, जो मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया था। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे बनाए हुए और यस चलो गाइस, ये जो आपको पीछे दिख रहा है इसे हम देव टाका बोलते हैं, एंड ये शिवाजी महाराज के ज़माने से यहीं पे है। और इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे पानी होता है हमेशा फुल, मतलब समर सीज़न में भी यहाँ पे पानी होता है, और वो पानी इट टेस्ट सो स्वीट, मतलब लिटरली स्वीट टेस्ट करता है ये। और पानी समर सीज़न में भी ठंडा होता है, फुल ठंडा होता है। मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर, क्योंकि यही है वो देव टाका, यहाँ पे ये पानी पूरा भरा होता है हमेशा, स्वीट एंड कोल्ड। सो और एक बात गाइज, ये कि मैंने आपको बताया कि यहाँ का पानी ख़त्म नहीं होता, तो वो इसलिए ख़त्म नहीं होता है क्योंकि ये पानी आता है वेलना लेक से फ्रॉम महाबलेश्वर, और वो लेक कभी मतलब ड्राई नहीं होता, इसलिए यहाँ का पानी वैसा ही रहता है। तो बेसिकली जब यहाँ का पानी एंड वेलना लेक का पानी दोनों की टेस्टिंग की थी लेबोरेटरी में, अलग अलग लैब्स में की थी, तो दोनों के जो प्रॉपर्टीज़ है पानी के एकदम सेम आए थे, कुछ भी डिफरेंस नहीं। तो उस ज़माने में शिवाजी महाराज के ज़माने में जो सिपाही होते थे या जो भी लोग होते थे ना, उन्होंने ग्राउंड से कुछ मतलब यू नो होल्स किए, ड्रिल करके चेक किया कि कहाँ से पानी आ रहा है। तो वो पानी उनको मिला, लेकिन वो आ रहा था फ्रॉम वेलना लेक, तो वहाँ पे पिटहोल भी है जहाँ से पानी आ रहा है। एंड मैंने जैसे कहा समर में भी वो ड्राई नहीं होता, उसी की वजह से नहीं। और यहाँ का पानी हमने पी के देखा तो बहुत ही अच्छी टेस्ट है और ठंडा है, एकदम ठंडा, बहुत मेहनत करके। अरे यार इसका मतलब होता ही एक्स्ट्रा चीज़ डालना, बहुत कुछ मेहनत नहीं लग रही। यहाँ पे वो अंकल थे, उन्होंने निकाल के दी हमें पानी, वो यहीं पे रहता है, तो बस उन्हीं से मांग के पिया, बहुत मेहनत करके। ठीक है भाई, बहुत मेहनत करके पानी पिया, बहुत ज्यादा मेहनत की जिंदगी में, बहुत मेहनत लगती है पता है कि नहीं। हाँ हाँ बहुत मेहनत की, एकदम मेहनत की। हाँ वैसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करो, सब कुछ करो। ये देखिए यहाँ पे जो दो होल्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ से एक लाइन जा रही है एंड यहाँ से भी। वो तोफ होते थे यहाँ पर फाइटिंग, मतलब जो वॉर होते थे ना, वो यहाँ से लड़े जाते थे ऊपर से, और वहाँ पे उस जगह पे तोफ रखे जाते थे एंड वहाँ से फिर उन पर हमला किया जाता था दुश्मनों पर ऑब्वियसली। माय गॉड, गाइस ये कितना सुंदर दिख रहा है, देखो फुल ग्रीन ग्रीन हो गया है, हल्की सी धीमे धीमे बारिश चल रही है। वाओ गाइस ये देखो, ये गनिंग पॉइंट है, यहाँ से फायर वर्क होता था, देख लो। सो गाइस बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, नहाल भी बहुत ख़राब हो गया है मेरा, भीग भी गई हूँ, यहाँ पे स्टॉर्म भी बहुत ज़ोर से है। ओ ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई यार, भाई अरे तुझे नहीं बोला यार, छाता उड़ रहा था इसलिए। वो तेरा भाई है, इनका छाता उड़ रहा है, मेरा भी उड़ रहा है, लेकिन इनका तो पूरा खराब हाल हो गया। ये महादेव का मंदिर है यहाँ पे ऊपर पे हम रुके हुए हैं खाना खाने के लिए, आई मीन ब्रेकफास्ट करने के लिए। मावशी तुम्ही काय बनवताय सांगा ना जरा। आणि गाइज मैंने आपको भी दिखाया, यहाँ पे इसी तरह से थोड़ा अंधेरा था तो क्लियर नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे इसी तरह से खाना या ब्रेकफास्ट जो भी है वो बनाया जाता है। तो अभी मैं गरम गरम चाय पीऊँगी, फिर भजी खाऊँगी, पिटला भाकरी। मैं आपको सबके सिनेमेटिक्स दिखाती हूँ बिकॉज
अंधेरा बहुत है ना, तो मतलब वो शूट नहीं हो पा रहा है अच्छे से। यहाँ पे वैसे भी धूप नहीं है तो अंधेरा है ही, तो ठीक है चलो। प्यारे से वेदर में गरम गरम चाय, वाओ ये देखिए सूख। सो ऑलरेडी गाइज, अभी जस्ट मेरा ब्रेकफास्ट कम लंच हो गया एंड बहुत मज़ा आ गया खा के। हाय हाय हाय, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और उसमें गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो लाइफ बन जाए सूख। अभी हम यहाँ पे घूम लिए और अभी बताओ आपको, टाइम सिर्फ 8:30 बज रहे सुबह के एंड हमारा लंच भी हो गया, तो अभी हम वापस जाएंगे नीचे। ठंडी लग रही है, गरम गरम खाया फिर भी बहुत ठंडी लग रही है। तो बेटर कुछ नहीं लाया हम लोगों ने, बस ऐसे ही आ गए। वैसे हमें तो मतलब आदत है, लेकिन मेरी जो बहन आई है नागपुर से आई, तो आपको पता है वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, उसे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन ठीक है। चलो मैं आपको सबसे मिलाती हूँ, सब लोग अभी खाना खा रहे हैं। सो चलो, हाय 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 हाय। देखो बोल रही थी ना, मैं बहुत ठंड लग रही है इसे इसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत गर्म खाया फिर भी ठंड नहीं गई। अब तक नहीं लग रही थी, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा लग रही है। गॉन मैड, फुल स्लीव्स पहना है फिर भी ठंड लग रही है। भाई यहाँ के लोग फिर कैसे रहते होंगे यार, ये जो हमने बोला जो यहाँ पे जिनके छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जो खाना खिलाते हैं, वो कैसे रहते होंगे यहाँ पे, क्योंकि वो यहीं पे रहते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे रहना, ये तो सिर्फ सुबह की ठंडी है, रात को बहुत लगती होगी, बोल नहीं पा रही। हाँ यहाँ पे धूप तो बिल्कुल भी नहीं आई, नहीं आएगी ही नहीं अभी धूप, क्योंकि सुबह 4 बजे की फीलिंग आ रही है। हाँ मेरे हाथों के क्लाउड से कवर हो गया ये पूरा, इसलिए यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, सब जगह पे सिर्फ फॉग फॉग एंड फॉग ही है। तुझे ठंड नहीं लग रही क्या भाई, किससे बना हुआ है तू? मेटल और स्टील से तो नहीं बना, ये थोड़ा हिल रहा है मोबाइल बिकॉज हाथ हिल रहे बहुत। सो अब हम नीचे आ गए हैं एंड अभी कार में बैठ के वापस मुझे ऐसे ऐसे जाएंगे, और हम भीगे भी थे ना, तो इसलिए ज़्यादा ठंडी लग रही थी। हमने छाते तो लाए हम, लेकिन हमने लिए नहीं, अब हम नॉर्मल है। गाइस देखो अभी थोड़ा थोड़ा फॉग हट गया यहाँ से, तो नीचे का दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, और बहुत अच्छा दिख रहा है। वाओ वेट, थोड़ा ऊपर चलते हैं। ओ यस, यहाँ से देखो वाओ कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए हमें यहाँ पे क्या दिख गया, स्नेक। वाओ ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा। ले जाते उसे, चल घर पे पानी में डाल देते हैं। पार्टी करने के सरवन ने सुनाया खा वाला सब। ऑलरेडी गाइस हम वापस घर पे आ गए हैं एंड बहुत मज़ा है हम लोगों को, हमने बहुत एंजॉय किया सब ने मिलके। अगर आपको भी अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और हमेशा की तरह ये आगे सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब कर दो, कॉमेंट्स करो, मैं कॉमेंट पढ़ती हूँ सबके, और लाइक करो, शेयर करो, बहुत सारा शेयर करो एंड यस बेल आइकन को भेंट करो ताकि नोटिफिकेशन सबको मिल जाए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय. मैं शिवाजी महाराज के जमाने में तो उस जमाने में